नमस्कार दोस्तों, आर एस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्लिप डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, जितनी लंबाई रखनी है उस हिसाब से हमने इस तरह कपड़े पर कट कर लिया है। पूरी लंबाई इसकी 9 इंच लेंगे। 9 इंच से हमारी थोड़ी सी ज़्यादा है, 2 पॉइंट, तो इस तरह 9 इंच पर निशान बना दिया है। उसके बाद 3 इंच पर इस तरह से सिंपल स्लिप कट करना है। अब कपड़े पर रखते हुए कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े पर रखकर भी कट कर लिया है। अब इस पर डिजाइन के लिए कट करना है। तो नीचे वाली साइड से 1.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच पर इस तरह से गोलाई का निशान बना दिया है। उसके बाद 0.5 इंच लेंगे और फिर यहाँ पर इस वाली साइड से 1 इंच लेंगे। तो ये 1 इंच का ये वाला सीधा वाला जो निशान है, ये कट बनाया है, ये डिजाइन पर होगी। और नीचे 1.5 इंच की गोलाई दे दी है। अब ये सारे निशान दूसरी साइड भी बना लिए हैं। अब कपड़े की सीधी वाली साइड में रखते हुए पहले इस वाले निशान से सिलाई लगाएंगे। ऊपर जो हमारा डिजाइन का जो ये लिया है, डिजाइन के लिए जो लिया है 2 इंच चौड़ाई का, डबल फोल्ड करके 1 इंच लिया है, सिलाई इस पर लगा दी है। उसके बाद इसे कट कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पर 2 कट लगा देने हैं। उसके बाद इसको अंदर की तरफ इस तरह से पलट देना है अस्तर को, और ऊपर से 1 सिलाई लगा देनी है। अब देखिए, नीचे वाली साइड से जो ये गोलाई दी है, दी थी 1.5 इंच की, उससे भी कट कर देंगे। अब देखिए, लेंगे यहाँ पर हम लेंगे 2.5 इंच का चौकोर कपड़ा कट करेंगे। उसके बाद इस तरह सीधा कपड़ा लेंगे, इससे पतली पट्टी तैयार करेंगे। तो दोनों साइड से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से किनारे से 1 सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह पट्टी ले लेनी है। और देखिए, यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टियाँ कट करनी है। उसके बाद ये वाला कपड़ा लेंगे, इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से पट्टी को यहाँ पर लगाना है। तो इस तरह देखिए, फोल्ड करने के बाद पट्टी को रखना है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से जितनी डिजाइन इस पर लगेंगी तो पहले बनाकर तैयार कर लेनी है। तो देखिए, डिजाइन हम ब्लाउज के लिए बना रहे हैं स्लीव डिजाइन, तो ब्लाउज पर भी मैचिंग का ही पैटर्न रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, इस तरह इसको लगाना है। एक साइड में लगभग 4 डिजाइनें लगेंगी, 4 ही लगेंगी। तो इस तरह से देखिए, बराबर से रखेंगे, एक बराबर से सभी को रखना है और इस तरह से सिलाई पर लगा लेनी है। अब दूसरी साइड देखिए उस डिजाइन के, अब ये वाली डिजाइन आधा अंदर की तरफ होगी, तब यहाँ पर सेट होगी। इस तरह पट्टी को बढ़ाकर रखना है, उसके सामने नहीं रखना है, थोड़ी सी बीच में रखना है जहाँ पर वो डिजाइन रखी है। तो इस वाले डिजाइन पे थोड़ी तिरछी करते हुए रखेंगे। देखिए, इस तरह से आएगी। अब देखिए, नीचे की तरफ भी इसे तैयार कर लेते हैं। तो अस्तर का कपड़ा लिया है और इस तरह रखते हुए सिलाई लगाएंगे। सीधी वाली साइड में रखा है उसे और इस तरह सिलाई लगा दी है। अब इसे कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर जहाँ तक गोलाई दी है तो कट लगा देना है, पूरे पर नहीं लगाना है। अब 1 इंच बचाते हुए जो कपड़ा ज़्यादा है उसे कट कर देंगे। अब इसको अंदर की तरफ पलटते हुए ऊपर से 1 सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। अब इस पर लेस लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने डोरी ली है, पतली सी डोरी, गोल्डन डोरी ली है। आप पतला लेस ले सकते हैं या इस तरह से डोरी लगा सकते हैं।
तो देखिए हमने डोरी को लगा दिया, अब नीचे की तरफ भी इसको लगा देंगे। तो देखिए नीचे की साइड में भी लगा दिया है। अब इसमें हमें डोरी डालनी है, तो इस तरह से दो डोरियां ली हैं और दोनों पर हमने लटकन लगा दी है। इस पर लटकन नीचे की तरफ यहाँ पर रखेंगे, तो लटकन लगा दी है। फिर दोनों को बराबर से पकड़ते हुए यहाँ पर देखिए धागे से अच्छे से दोनों को धागे में बांध लेना है। अब देखिए इस तरह से डालेंगे, सभी डिजाइनों में डालते जाना है इस डोरी को। और नीचे वाली साइड में इसे बढ़ा कर लेंगे, बड़ी सी लेनी है, यहाँ पर बांधना भी है, तो उसी हिसाब से हमने लेकर लटकन बना ली थी। अब देखिए इसको सभी डिजाइनों में इस तरह से इसे डाल देंगे। तो देखिए हमने सभी डिजाइनों में इस डोरी को डाल दिया है। अब नीचे वाली साइड से इस तरह इसको बांध देंगे। तो डिज़ाइन हमारा अब बनके तैयार है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।